गुलबर्गा शहर के संतरासवाड़ी में मौजूद केबीएन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 8 अगस्त को उमरा रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोजा तरबेती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। केबीएन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए इस ग्रुप में कुल 40 लोग उमरा के लिए रवाना हो रहे हैं और तरबेती कैंप के जरिए सभी को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। इस ट्रैवल्स के जरिए हर महीने उमरा के लिए ग्रुप रवाना होते हैं और अगर आप उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और केबीएन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की खास बात यह है कि ये अपने ग्रुप के साथ एक इमाम और एक मौजन को सिर्फ टिकट और वीजा के खर्च पर उमरा ले जाते हैं, यानी अगर कोई मस्जिद के इमाम और मौजन इनके जरिए उमरा जाएंगे तो सिर्फ टिकट और वीजा का खर्च देना होगा, बाकी होटल में रहने खाने पीने और दीगर सहूलियात इमाम और मौजन के लिए फ्री रहेंगी। अगर कोई इमाम और मौजन उमरा जाना चाहते हैं तो केबीएन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स से रابطہ कर सकते हैं। और आपको बता दें, सितंबर महीने में 2 ग्रुप तैयार किए गए हैं जिसमें आप ईद मिलाद के मौके पर मदीना में रहेंगे। फर्स्ट पैकेज 15 दिनों का है जो 92,000 रुपीज में तैयार किया गया है। 4 सितंबर को ये ग्रुप रवाना होगा और 18 सितंबर को वापसी है। और सेकेंड ग्रुप 20 दिनों का है जो 1,07,000 रुपए में तैयार किया गया है। 6 सितंबर को ये ग्रुप रवाना होगा और 25 सितंबर को वापसी होगी। अगर आप रबीउल अव्वल महीने में उमरा जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप संतरासवाड़ी जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मौजूद केबीएन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र एहसान है और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तसद्दुक से अल्हम्दुलिल्लाह केबीएन का नाम ही काफी है हमारे ट्रैवल के लिए। ये वो शहर है जो शेरपा से लखन से कर्नाटक में जाना और पहचाना जाता है। ताजा बंदा नवाज यशुदराज रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस नाम की निस्बत से हम ये ट्रैवल को खोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाबान मौसम की 2 तारीख को सैयद मोहम्मद अल हुसैनी जानशीन सज्जाद नशीन बारगाह बंदा नवाज के मुकद्दस हाथों से हमारी ट्रैवल ओपन हुई, यानी शुरू हुई, आगाज़ हुआ, इफ्तिताह हुआ और उसी के आखिरी के तकद्दस से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में और शवालुल मुकर्रम में जुमला 25 हाजे गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही सर्विस और यही खिदमत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलमर्गा में बड़े बड़े नामची और बड़े बड़े ट्रैवल्स 56 हाजियों को नहीं भेजे जो केबीएन टूर एंड ट्रैवल्स ने भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही इत्मीनान बख्श सर्विस मक्का और मदीने में सबसे करीब होटल और 3 टाइम हैदराबादी खाना और हर दिन कुछ न कुछ ज्यारतों में मसरूफ रहते हैं और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह केबीएन टूर एंड ट्रैवल्स का दूसरा काफिला 8 अगस्त को 40 अफराद पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब हो जाए। मुझ पर यह हक है कि मैं उसको दुनिया में आफियत अता फरमाऊंगा, जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसके मगफिरत फरमा दूंगा। यानी दुनिया में जब तक रहेगा अल्लाह के घर की जियारत करके उमरा की सादत से मुशर्रफ होकर अल्लाह उसको आफियत में रखेगा और जब खुदा की बारगाह में जाएगा तो बिल्कुल पाक और साफ और सुथरा बनकर जाएगा, यानी अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। वही एक और हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो मुकाम अनकरीब आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे, अब तक जिस की तरफ रुख कर कर आप नमाज अदा करते थे, जिसको देखने की तमन्ना आरज़ूएं ख्वाहिशें आपको बचपन से थी कि मैं हरमैन तैयबैन की जियारत से मुशर्रफ हूं, मैं काबतुल्लाह को अपनी आंखों से देखूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की उन सुनहरी जालियों का दीदार करूंगा, लेकिन वो सादत आपको अनकरीब मिलने वाली है कि आप अपनी माथे की आंखों से देखेंगे कि आपके सामने काबतुल्लाह है, उसका खूबसूरत मंजर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत रोजा आपके सामने है। इसीलिए कहा गया कि ये सफर कोई मामूली सफर नहीं है, बड़ा अहम तरीन सफर है। इस सफर में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती हो, जितना हो सके हमारे ये जो अय्याम है 15 दिन के जो अय्याम है
इन अय्याम का एक एक लम्हा हरमैन तय्यबैन में हमारा गुजरे ये फिक्र करें। ये भी बारिश से अजर सवाल ये भी इबादत है, इसीलिए जितना हो सके आप अपने होटल के रूम में वक्त को जाया ना करें, वहां नीचे आकर आप रिसेप्शन में आकर वहां लॉबी में आप आकर वक्त ना गुजार, जितना हो सके कोशिश ये करें पांचों नमाजें आपके हर में बताया गया है कि वहां अगर आप एक नमाज पढ़िए तो आपको अल्लाह एक लाख नमाजों का सवाब बता सकते। उमरा चार चीजें हैं, एक है इहराम, दूसरा है तवाफ, तीसरा है सई सफा मरवा में चलना दौड़ और चौथी जो चीज है वो हलक या ये चार चीजें हैं। और उमरा में इहराम शर्त बगैर इहराम या उमरा नहीं कर सकते। या सफर की जाने है आप 15 दिन तक आप मिसाल के तौर आप भूल जाए जहाँ कहीं पर भी आपको नमाज पढ़ना है तो ये सफर की जानेमाज है, आप एक महीना से प्लास की है तो आराम से आप शायद नमाज पढ़ भी है उर्दू में भी है अरबी में भी आपको जो जबान आती है आराम से आप पढ़ सकते रास्ता खुल रहा सातवीं चक्कर में दूर सात चक्कर पूरा कम्प्लीट और एक तस्वीर भी दे रहे हैं जो सात दानों की सात चक्करों में एक 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 दाना आराम से सफा मरवा की सही में भी सात चक्कर होते हैं क्योंकि एक तस्वीर में आप आराम से ये ब्याग में आप वीज़ा का काफ़ी ज़रूरी है, आप बग़ैर वीज़ा के अगर आप चले जाएंगे तो आप घूमेंगे तो मसाले पैदा होंगे। वीज़ा का काफ़ी आप अपने पास रखें, पासपोर्ट का काफ़ी नहीं रखें तो भी चलेगा। वीज़ा का काफ़ी बहुत ज़रूरी है, हमारे 21 जुलाई को एक हाजी साहब को मिले जिनके पास ब्याग में वीज़ा नहीं है, वीज़ा अगर आपकी काफ़ी है तो आप मक्का में कहीं पर भी हो आपको हमारे होटल तक पहुँच सकते हैं, तो वीज़ा का काफ़ी अपने साथ ज़रूर रखें। और इसमें ये बड़ा ब्याग है, आप आराम से एक एहराम भी रख ले सकते हैं, एक पानी का बॉटल, एक बिस्किट का पोड़ा वगैरह भी रख ले सकते हैं। मदीने के आका सलाम अलैका दो आलम के शाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद हाशिम केबीएन हज व उमरा टूर एंड ट्रैवल्स संतरासवाड़ी गुलबर्गा कर्नाटक इंडिया से कि ज़ेर एहतमाम हमारे रबीउल अव्वल के दो पैकेज बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका पहला ग्रुप 4 सितंबर को जाएगा और 18 सितंबर को वापस आएगा, जिसका सेमी डीलक्स जो पैकेज है वो 92,000 यानी 92,000 रुपीज़ का है और जिसमें माह रबीउल नूर यानी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में होगी और माह रबीउल नूर के पुरबहार मौके पर हमारी केबीएन टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से दो एहराम मुफ्त में दिए जाएंगे और 4 उमरा कराए जाएंगे। ये ट्रैवल की तरफ से बग़ैर कोई खर्च करे के 4 उमरे करा रहे हैं, इसके अलावा मजीद जो भी हाजी जितने भी उमरे करना चाहता है वो जाकर कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला हमारे हैदराबादी 3 टाइम का बेहतरीन लजीज खाना रहेगा और हर दिन हमारे ट्रैवल की तरफ से मुक़दस मकामात की ज़्यारतें होंगी। हमारा जो शेड्यूल है जो हम जितनी हमारी सर्विस एक अहराम है, तस्बीह है, जानिमाज है और ख़वातीन के लिए इस्काफ वगैरह है, तो माह रबीउल नूर के पुरबहार मौके पर एक हाजी को दो अहराम दिए जाएंगे और ख़ातून को दो इस्काफ देंगे। और दूसरा हमारा पैकेज जो है जो 6 सितंबर को है और जिसका रिटर्न 25 सितंबर को है यानी 20 दिन का ये पैकेज है जो सुपर डेलक्स है, जिसकी मक्का में होटल 200 से 250 मीटर पर रहेंगी और मदीने मुनव्वरा में 50 मीटर पर हुदा तैबा इंशाअल्लाह ताला हम देंगे, जिसमें 5 उमरे कराएंगे और इसके अलावा आप जितने चाहे उमरे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के लिए 2 इस्काफ देंगे और मर्द हजरात के लिए 2 एहराम देंगे। और मज़ीद हमारे मालूमात करने के लिए हमारे ऑफिस का एड्रेस है नवाज रेस्टोरेंट के अपोजिट सामने शॉप नंबर 1 सिल्लर नंबर 1 जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स संतराशवाड़ी में हमसे रब पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। हम खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम हजरात के सामने आए हैं, हमें खिदमत करने का मौका दें इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खिदमत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। उमरा जाने वालों की तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ये तरबियती कैंप रहा और जितने भी अहबाब आज तक हमारे टूर एंड ट्रेवल से गए और आए उनसे हम तासुरात लिए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत बड़े ही जामे अंदाज से अच्छे अंदाज से किए जा रहे हैं, लिहाजा जो हजरात मुतमन्नी हैं
کعبۃ اللہ کی زیارت کے اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کے بی این ٹورس اینڈ ٹریولس کو موقع عنایت فرمائیں خدمت کا، اور آپ خدمت ہماری زبان سے نہیں بلکہ آپ اپنے ہمارے عمل سے دیکھیں۔